हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेने वाले हैं पेज नंबर 16 से बोर्ड। तो 14 चैप्टर है बोर्ड, इरेजर स्केचिंग। स्टूडेंट्स, आपने अलग अलग प्रकार के स्केचिंग देखे हैं। फॉर एग्जांपल, मेमोरी ड्राइंग स्केचिंग, पोर्ट्रेट स्केचिंग, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में दिखाई देता है। ओके, तो आपने बोर्ड पेपर बोर्ड की होगी या कलरिंग बोर्ड किया हो, तो आज हम अलग प्रकार का ये माध्यम से आज हम निकालेंगे बोर्ड। ओके, फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास जो लीड पाउडर, उसके बाद पॉलिश पेपर मींस सैंड पेपर, ओके, इस माध्यम से आपको ये करना है। और आपके पास इरेजर, और जो इरेजर वॉश करने के लिए या रफ करने के लिए, ड्राई करने के लिए कॉटन। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली। चलो, तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये सैंड पेपर मींस पॉलिश पेपर, जो हम रेगुलरली घर में जो कारपेंटर्स लोग होते हैं, वो नॉर्मली विंडोज या डोर पॉलिश करने के लिए, लकड़ी की डोर पॉलिश करने के लिए ये यूज़ करते हैं। उसके बाद ये पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉटन, और ये है जो हमने पेंसिल से द्वारा निकाला हुआ लीड पाउडर। तो ये लीड पाउडर आपको क्या करना है, ये पेंसिल आपके जो सैड पेपर है, जो पॉलिश पेपर है, उसी से ये निकालना है। नॉर्मली दिखाई दे होगा कि ये पाउडर आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार आपको ये पाउडर निकालनी है। धीरे धीरे से आपके ये पाउडर निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको ये पाउडर तैयार करनी है। और जो आपके ड्राइंग बुक में पेज नंबर 16 में नॉर्मली जो ऊपर दिया हुआ, नॉर्मली हल्के हाथों से आपको ये ड्राइंग पेंसिल से निकालना है। तो ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। ओके, उसके बाद आपको ये पेंसिल से, आपको ये सॉफ्टली, ये कॉटन से लेके ये करना है। ओके, ये स्लोली स्लोली आपको करना है। जो ये कॉटन है वो उसके ऊपर दबा के ये आपको स्लोली करना है। ओके स्टूडेंट्स, और एक ध्यान देना है, जो स्क्वायर है उसके बाहर वो पेंसिल से किया हुआ लीड की जो पाउडर है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये स्लोली स्लोली ये करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, डार्क लाइट आपको इक्वल में होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये आपको स्लोली स्लोली पेंसिल से करना है। ओके, ये हमारा नॉर्मली हुआ है। उसके बाद आपको इरेजर से ये हमने फर्स्ट निकाला हुआ ड्राइंग रफ करना है। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो इधर की लाइन है बोर्ड की, वो निकाल दी है। नॉर्मली ये लाइंस दिख रही है आपको स्टूडेंट्स? यस, और ये लाइन इधर की लाइन। ओके, उसके बाद ये डायरेक्टली ऊपर की जो लाइन है, जो यहाँ पे जो स्टैंड दिख रहा है वो वाला, उसके बाद शो
ओके ड्राइंग ऐसा नहीं या सेम टू सेम आना चाहिए आपको, नॉर्मली चेंज हुआ तो भी चलेगा, बट आपके हिसाब से आपको ये ड्राइंग करना है। ओके ये उसके बाद आपको ये नॉर्मली नीचे का हिस्सा आपको रफ करना है। ओके इस प्रकार, और एक कॉटन से ये इरेजर आपको वॉश करना है या ड्राई करना है, नॉर्मली क्लीन करना है। ओके ये क्लीन करके करके आपको ये जो पेपर का जो वाइट है आपको उसका रिजल्ट आना चाहिए। ओके नॉर्मली उसके बाद जो नीचे की एक लाइन है वो आपको इरेजर से पॉइंट से निकालनी है नॉर्मली। ओके उसके बाद जो इधर की जो लाइन दिख रही है, मींस जो बोर्ड के ऊपर जो लाइन्स है वो आपको तैयार करनी है। के बाद जो कोई हिस्सा है वो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे जो पंचे दिख रहे हैं वो भी आपको पॉइंट से नॉर्मली निकालना है। उसके बाद जो मून दिख रहा है वो आपको सर्कल से निकालना है। इस प्रकार आपको नॉर्मली ये स्लोली से करना है। ओके उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्काई है वो आपको तैयार करना है। सेम हमने जैसा मून दिखाया है उस प्रकार उस स्काई आपको निकालना होगा। नॉर्मली आपको इस प्रकार आपको स्लोली ये बोट मून आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पानी का हिस्सा है वो तैयार करना है। जो पानी है ओके ओके स्टूडेंट्स ये आपको स्लोली स्लोली से करना है। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है जो आपकी स्क्वायर है स्क्वायर के बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऑफ करना है आपको, बुक क्लीन करनी है। और स्टूडेंट्स ये पेंसिल से किया हुआ जो बोट है आपको क्या करना है, आज कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स और एक ध्यान देना है स्टूडेंट्स आपको, ये होने कंप्लीट होने के बाद आपको बटर पेपर पता है, बटर पेपर ट्रेस पेपर वो इस साइज का या नॉर्मली ये ड्राइंग पेज के साइज का आपको कट करके नॉर्मली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो या ऊपर के साइड से पेस्ट कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे पेस्ट किया तो आप ये पेंटिंग स्केच ओपन करके देख सकते हो। मैंने क्यों बताया ये पता है स्टूडेंट्स? यस ओके क्योंकि ये पेंसिल का जो लीड पाउडर है जो हमने फर्स्ट किया हुआ ओवरलैपिंग का है वो जो बैक साइड का जो इधर का पेंटिंग है उस पे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको इसके ऊपर बटर पेपर पेस्ट करना है। ओके बटर पेपर सिर्फ वन साइड से पेस्ट करना है, इस साइड से या ऊपर के साइड से, पूरा स्क्वायर को पेस्ट नहीं करना है। ओके तो स्टूडेंट्स आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 16 से
चैप्टर नंबर 14 बोट इरेजर स्केचिंग. ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स.